लगभग 400 पिलर्स, 44 डोर्स और भगवान राम की एक ब्रांड न्यू मूर्ति। अयोध्या में भव्य मंदिर का 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया, जिसमें हंड्रेड ऑफ रिलीजियस फिगर्स, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उपस्थित थे। इस इवेंट को देश भर में लाखों लोगों ने टीवी में देखा। आखिर ये टॉपिक इतने चर्चे में क्यों है, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड वेलकम बैक टू जिंदगी विद सैब। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यही है हिंदुओं की आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी की कई मंदिर बनवाई। केवल अयोध्या में ही राम सीता की 3000 मंदिर थे। 5th सेंचुरी BC में इनमें से कई मंदिरों की स्थिति खराब होने लगी और इस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इसमें से कई मंदिरों को ठीक करवाया और कई सौ सालों तक मंदिर यूं ही बने रहे। सरायू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या, अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से और कहानियों का शहर। अयोध्या का जिक्र होते ही मन में रामायण काल के चित्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब एक ऐसा नगर जिसे शत्रु ना जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताती है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, कई लोग मारे गए। तो आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। लगभग 500 साल पहले ये कहानी शुरू होती है। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। उस समय आगरा मुगल सल्तनत की राजधानी थी। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अपने अयोध्या अभियान के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद निर्माण करने का आदेश दिया था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को इस मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे, और इस मंदिर को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाने का आदेश दिया और इस मंदिर का नाम बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद रखा। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। इसी बीच औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर हिदायत खान ने औरंगजेब के आदेश पर 1660 में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माना जाने वाला रामकोट फोर्ट्रेस तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। समय बीतते गए, अयोध्या के लोग अपमान और गुस्से को और अपनी पीड़ा सीने में दबाए बिलाप करती रही। करीब 300 साल गुजर गए, ये मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामलों में हिंदू मुखर नहीं हो पाए। समय ने करवट ली और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर रिलीजियस वायलेंस पहली बार 1853 में हुई थी। अवध के नवाब वजीद शाह के शासन के तहत निर्मोही, जो कि एक हिंदू संप्रदाय है, उन्होंने दावा किया कि बाबर के शासनकाल के दौरान एक हिंदू मंदिर को डेमोलिस्ट किया गया था मस्जिद बनाने के लिए। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में ये लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन और पूजा करने पर एफआईआर दर्ज हुई। रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण था। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इन दोनों स्थानों को एक दूसरे के अलग करने और दोनों धर्म के श्रद्धालुओं के बीच में विवाद की स्थिति को टालने के लिए इनके बीच में फेंस खड़ी कर दी
और इस विवाद को रोकने के लिए मुस्लिम्स को मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि आउटर कोर्ट यानी राम चबूतरे को हिंदुओं के प्रेयर के लिए डेजिग्नेट किया गया था। साल 1885 में ये मामला अदालत तक पहुंचा। तब निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी बनाने के लिए लोकल कोर्ट में अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ समय बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हो गए और इस कम्युनल रियॉट्स में बाबरी मस्जिद के एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से ठीक करवाया जाता है। 1944 में सुन्नी वक्फ के कमिश्नरी बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई। 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। देश की आजादी के बाद मस्जिद लिमिटेड टाइम के लिए खुलता था और राम चबूतरे पर श्री राम की मूर्ति स्थापित थी, जहां लोग पूजा किया करते थे। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन राम लल्ला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाए गए और ये विवाद इतना बढ़ा कि उस समय तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उसके ऊपर ताला लगवाना पड़ा। मस्जिद के अंदर नमाज रोक दिया गया, लेकिन बाहर राम चबूतरे पर और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना कंटिन्यू रहा और यही से ये कन्फ्लिक्ट हर गुजरते साल के साथ बढ़ता गया। 1950 में हिंदू महासभा के लॉयर गोपाल विशारद फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हैं कि राम लल्ला की मूर्ति की पूजा करने दी जाए, लेकिन ये पिटीशन भी फेल हो जाती है। इसके बाद हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को अपने अंडर करने के लिए अदालत में दावा करते रहे, मगर कुछ बदलाव नहीं आया। 1976 में पहली बार इस साइट को एक्सकवेट किया जाता है और ये बताया जाता है कि मस्जिद जिन 12 पिलर्स पर बनी हुई थी वो मंदिर की थी, जिसे रीयूज किया गया था। समय बीतता गया, अर्जियां आई, पिटीशन फाइल होती रही। बाद के दशकों में देश में इमरजेंसी और कम समय के लिए बनी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ 1980 का दशक शुरू हुआ और इस दशक से देश की राजनीति के इतिहास में ये टॉपिक बड़ी महत्व में रहा। 1980 में बीजेपी सरकार ने अपनी नींव रखी। उसके बाद से ही हिंदुत्व के नजरियों को लेकर और राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बहुत बदलने लगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले चेयरमैन थे और 1980 के शुरुआत से ही वाजपेयी राम मंदिर के कन्फ्लिक्ट पर फोकस किया था। विश्व हिंदू परिषद ने इसी बीच मंदिर के आंदोलन शुरू किया और 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने डिस्प्यूटेड साइट के पास नींव रखकर शिलान्यास किया। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर का रथ यात्रा शुरू करते हैं, जिसके दौरान ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जिस दिन अयोध्या में यात्रा का समापन होना होता है, बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश में मुलायम सरकार सेवकों पर गोलियां चला देती है और कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में एक ऐतिहासिक घटना घटती है। इस दिन लगभग 2,00,000 कार सेवक अयोध्या पहुंचे और कानून को तोड़ते हुए मस्जिद के सारे डोम्स गिरा दी जाती है और यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। या विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली द्वारा मस्जिद के ढांचे को डेमोलिश कर दिया जाता है और इसी वजह से फिर से पूरे देश में इंटर कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाती है और इस दंगे में हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद 2002 में गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट हुई, जिसमें हिंदू एक्टिविस्ट को टारगेट बनाया गया था। परिणाम स्वरूप गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए और अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्प्यूटेड लैंड के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की।
30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ों के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 हफ्ते के अंदर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। मीडिएशन पैनल ने बिना कोई रेजोल्यूशन हासिल किए अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद वर्डिक्ट को रिजर्व कर दिया गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि के फेवर में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन एलोकेट की गई। और इसके साथ ही 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन होने के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो जाता है। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलीला की मूर्तियों को टेंट से फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया और 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम ने मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। अभी ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लगभग 500 साल से चली आ रही राम जन्मभूमि के संघर्ष की कहानी अब खत्म हुई।